छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए शक्ति की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग, चाहे वो सी जी व्यापम हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, PSC हो, सभी अलग अलग विभागों में जो है भर्ती की घोषणा जो है उनके द्वारा किया गया। जी हाँ, आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस साल आपका 2023 में जो है लास्ट महीने में नवंबर दिसंबर में आपका जो है इलेक्शंस होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो इस चुनावी मौसम का फ़ायदा आपको जो है लेना है। और चुनाव से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक के बाद एक जो है नई नई भर्ती जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकाले जाएंगे, तो इसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा फ़ायदा और लाभ बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट को ही होने वाला है। तो CM ने अगर खुद बोला है कि वो जो है भर्ती निकालेंगे तो मतलब भर्तियाँ होंगे, तो व्यापम को मिले भर्ती के लिए जो है 20 विभागों से भर्ती के जो है प्रस्ताव। जी हाँ, तो व्यापम में भी अलग अलग 20 विभागों से भी भर्ती के प्रस्ताव जो है मिल चुके हैं और CM ने भी कहा है कि विभिन्न विभागों में भर्ती की घोषणा उनके द्वारा किया गया है, तो यह साफ तौर पर देखने को मिलेगा आप सभी स्टूडेंट को कि एक के बाद एक जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाले जाएंगे और जिससे क्या होगा, सभी नौजवान को, सभी नवयुवक को जो है रोज़गार मिलेगा, नौकरी के अवसर जो है पैदा होंगे और सीधा सीधा आपका जो है सिलेक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में नई नई योजनाएं, नई नई भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इसका सीधा साफ असर आप सभी स्टूडेंट को ही देखने को मिल पाएगा। तो भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत ही अच्छा उम्दा काम जो है किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी महत्वपूर्ण जो फैसला लेते हुए 975 पदों के लिए SI भर्ती परीक्षा जो होना है इसके लिए तारीख का भी ऐलान हो चुका है। 29 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है और जो स्टूडेंट जिन्होंने SI भर्ती परीक्षा का आवेदन नहीं किया वो 19 जनवरी तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो एक के बाद एक आप सभी स्टूडेंट के लिए नई नई योजनाएँ, नई नई भर्ती, नए नए करियर ऑप्शंस, नए नए अपॉर्चुनिटीज आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो CM ने खुद बोला है मतलब आप लोगों के लिए नई भर्ती निकाले जाएंगे। तो मैं आपको SI भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको कंप्लीट रूप से जानकारी मिल पाए। 10 ही दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि SI भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बारे में, प्रारंभिक लिखित परीक्षा SI भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल जो है 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंकों के होंगे और 3 अंकों के होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगा। तो आप जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व करना, आप ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। आपको सभी क्वेश्चन का सभी आंसर आपको जो है सॉल्व करना है। अगर आपने गलत आंसर भी ठीक किया फिर भी आपका एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा। तो सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन से 105 अंकों के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में आपके एग्जाम्स में आएगा भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है सबसे पहले टूटेजा ट्यूटोरियल्स का बुक ले सकते हैं। यदि आप टूटेजा ट्यूटोरियल्स के बुक से सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो इससे आपके एग्ज़ाम में 75 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपके एग्जाम्स में आएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, खाना एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी, ये सभी आपके छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं।
तो छत्तीसगढ़ की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, संपूर्ण पूरा कंप्लीट जानकारी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक ले सकते हैं, जिससे कि आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम्स में 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके अलावा जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और कंप्यूटर्स के बारे में आपको कंप्लीट ए टू जेड नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका अरिहंत समाज का रीजनिंग लेना है, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इसमें आपका आएगा तर्क देखना, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजिया, आंकिक योग्यता, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्य प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें आपके तार्किक लॉजिक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप अरिहंत से मास्टर रीजनिंग से रीजनिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, रीजनिंग की तैयारी कंप्लीट तरीके से हो पाएगा। इसके साथ मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स से भी 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ्स में आपके एग्जाम्स में आएंगे दशमी प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, संख्या में आपका पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं, आरोही व अवरोही क्रम, स्थानीय मान, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल में आपका वर्गमूल निकालने की विधि जिसमें आपका गुणनखंड व भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना, औसत में आपका औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत में आपका प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने खुद बोला है कि अलग अलग विभागों में आप सभी स्टूडेंट के लिए नई नई भर्तियाँ जो है निकाले जाएंगे, तो बस तैयारी अच्छे से कीजिए, देन आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई नई भर्ती, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी स्टूडेंट के लिए, नई नई भर्तियां आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकाले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन जो अवश्य रूप से हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, तैयारी करना है, एक न एक दिन आपको कामयाबी, सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगा। बस मेहनत कीजिए, आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।